आप बार बार डिस्टर्ब मत करिए, बहुत हो गया, आप लगातार कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल सकते, खड़ा कर दूंगा, क्या कर रहा है, काम दोबारा दिखा रहे नहीं, पकड़ लिया हमने चांद मुबारक का मतलब क्या हुआ, चांद को पकड़ लिया, आपने बोला चांद मुबारक का मतलब ये हुआ, एक सेकंड एक सेकंड, चांद मुबारक का मतलब इन्होंने बोला चांद को पकड़ लिया, पकड़ लिया, चांद पे पहुंच गए, चांद पे खड़े हो गए, चांद मेरे कब्जे में है क्योंकि हम चांद पे जा सकते हैं, ये मतलब है। और आप मैं एक सेकंड, मैं किसी की बात कर रहा, चांद मुबारक होता है, पकड़ लिया, पहुंच गए, अरे सुने कहा उसपे खड़े होना, चांद मेरे कब्जे में, पकड़ा बोल दिया, पकड़ा बोल दिया, क्या यार नाटक है यार, कमाल है यार, मेरा बड़ा सरल सवाल है आपसे, आपसे ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछूंगा, एक बात बताइए, इस पूरे खेल के अंदर आप अपने आप को कहां पाते हैं, क्योंकि आप हर जगह रहना चाहते हैं हाँ। लेकिन किसी को कुछ देना नहीं चाहते हाँ, बिल्कुल, ना कांग्रेस को ना शताब चौहान को, ठीक है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी, मेरा जो इंडिया है, हमारा जो गठबंधन है ना, उसने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की को सत्ता को हटाना है यहां से, क्यों हटाना है, अब देखिए एक पोल इन्होंने खेली, अब देखिए इनके मुद्दे क्या है, जब 2014 में आए थे तो लंबी लंबी बातें बताते थे, तब महंगाई बेरोजगारी पे आप चुनाव लड़ रहे थे, ठीक, तब कब्रिस्तान शमशान घाट पे भी आप लड़े चिल्ला चिल्ला के, उसके बाद अब चूंकि आपके 9 साल करीब हो गए, फिर आपने क्या सोचा, अब तो हमने कुछ तो विकास किया नहीं देश के लिए, ना कोई हमने महंगाई कम की ना बेरोजगारी कम की, अब कैसे आपको भटकाएं, तब इन्होंने फिर नया मुद्दा उठाया, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, अब देखिए अब कैसे परिवारवाद इनका, देखिए इन्हीं का मुद्दा है, हमारा नहीं है, इनका तीसरा मुद्दा तुष्टीकरण, अब हरियाणा में दंगा हुआ, सरकार इनकी है, दोष किसको दे रहे हैं, हमारे ऊपर में, बताओ विपक्ष को दोष दे रहे हैं, सरकार इनकी है, अब जब मणिपुर में महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, एक शब्द नहीं बोला, भाई मेरा भाई है मेरे, एक शब्द नहीं बोला, झगड़ा तो इसी बात का है, भाई हम जरूर हैं लेकिन हमारे वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि महिलाओं के अन्याय के साथ खड़ा नहीं होते, अच्छा आप किसी गरीब के साथ खड़ा नहीं होते, अच्छा आप कह रहे हैं तुष्टीकरण के खेल में आपका खड़े, तुष्टीकरण के खेल में आपका खड़े, हम समाज का खड़े, तुष्टीकरण का खेल हम नहीं करते, समाज के हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी समाजवादी लोग करते हैं, डिबेट कौन हो, टॉपिक कौन हो, आप देख लीजिएगा हूबहू यही, आप रिवाइंड कर करके देख लीजिएगा, आप जैसे होता ना कि मोबाइल में एक बटन दबाना चाहिए ना, अरे मैं टोक रहा हूं, मेरे में टोके थे, नहीं बोला उन्होंने, मैंने रोक दिया था, तो तानाशाही नहीं हो, लोकतंत्र हो, थोड़ा एकाध शब्द बोल लिया जाए, चलिए अब मैं बताता हूं तुष्टीकरण कितना गजब का है, कि जब चंद्रयान लैंड किया तो अखिलेश जी क्या लिखे, चांद मुबारक, इसका जवाब भैया चंद्रयान का चांद मुबारक से क्या मतलब था मेरे भाई, कितना गजब के एंगल पे जाते हैं, गजब की बात है भाई, और इसमें सुनिए चंद्रयान में कोई दूसरी भाषा का शब्द नहीं है, उसके अलावा आप लैंडर कहिए अंग्रेजी का शब्द है, विक्रम हिंदी और संस्कृत का शब्द है, प्रज्ञान हिंदी संस्कृत का शब्द है, रोवर इंग्लिश, ये चांद मुबारक कहां से आता भाई, फारसी का शब्द आपको याद आ रहे हैं, इतना ज्यादा आपको देश, और ये वो है जो देश के सबसे पढ़े लिखे होने डबल विदेश से पढ़ के आए, बताइए हम हिंदुस्तान में हम दोस्त को फोन करके मुबारकबाद देते हैं, आप हमारी भाषा में भी धर्म खोजेंगे, भाषा में भी धर्म खोजेंगे, चंद्रयान मुबारक को समझ में आता है, चांद मुबारक का किस तरह टोक रहे, अभी तो ज्ञान दे रहे, अच्छा यही तो इन पे लिखो चांद मुबारक, मैंने हमने बोलना शुरू किया, देखिए चांद मुबारक, हम किसी चीज का स्वागत करते हैं, किसी को मुबारकबाद बोलते हैं, यही तो हमारी संस्कृति, क्या क्या आप क्या कांग्रेचुलेशन को आप अगर उसमें बधाई की जगह कांग्रेचुलेशन लिख देते तो आप बुरा नहीं मानते, मैंने अंग्रेजी लिख दो तो बुरा नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान की चलती हुई भाषा में अगर लिख दिया तो इनके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि डिवाइड एंड रूल पड़ता है, धर्म दिखाई पड़ता है, अच्छा एक मैं भी सुधांशु जी पूछे तो चांद मुबारक में धर्म क्यों कैसे आ गया, ये सवाल पूछा गया और इसका जवाब दीजिए, मैं एक मेरा सवाल है, जवाब देता हूं, भगवान शंकर, भगवान शंकर के माथे पर चांद होता है, हम सब जानते हैं, अगर किसी को लगता है कि चांद मुबारक कह के उनको खुशी मिल रही है तो वो कर ले, कोई बोले कि भगवान शंकर का आशीर्वाद है, कोई बोले कि उनके धर्म का, तो इसमें क्यों धार्मिक एंगल बता रहा हूं जी, देखिए जो उस दिन घटना हुई वो चांद को देखना उपलब्धि थी या चांद पे उतरना उपलब्धि थी, तो चांद का मुबारक का मतलब भाई, आप कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, तो भी हम समझ जा रहे हैं, आप अनुराग एक मिनट, बार बार डिस्टर्ब मत करिए, बहुत हो गया, आप लगातार कर रहे हैं, आप बोल रहे थे मैं शांति नहीं बोल सकते, देखिए बोलिए आप ये कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, वहां तक भी हम मान लेते भाई, चांद को देखना इंपॉर्टेंट नहीं था, चांद पे आप पे उतरना वर्ड नहीं बोला, इसका अर्थ होता है कि आपके मन में हिकारत थी भारत की व्यवस्था को लेकर, इसलिए और मैं इनको बता देना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं, गलत व्याख्या कर रहे हैं, आप कह रहे हो क्या बोलो, गलत व्याख्या कर रहे हैं, खड़ा कर दूंगा, क्या कर रहे हैं, आपने बोला चांद मुबारक दिखा रहे नहीं, चांद पे हो रहा है, हमने कहा पकड़ लिया हमने, आप क्या गलत आए बात, चांद मुबारक का मतलब क्या हुआ, चांद को पकड़ लिया, चांद मुबारक का मतलब,
आपने बोला चांद मुबारक का मतलब यह हुआ, एक सेकंड चांद मुबारक का मतलब इन्होंने बोला चांद को पकड़ लिया, पकड़ लिया, चांद पे पहुंच गए, चांद पे खड़े हो गए, चांद मेरे कब्जे में है क्योंकि हम चांद पे जा सकते हैं, ये मतलब है। और आप मैं एक सेकंड, मैं किसी की बात कर रहा, चांद मुबारक होता है हिंद पकड़ लिया, पहुंच गए। अरे सुरेंद्र राजपूत की बारी है और उनकी भी बारी है। अच्छा ये बताइए, ये चांद मुबारक की बात जो ये कर रहे हैं, जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, ये वाजिब है या वो कह रहे हैं कि चांद मुबारक का मतलब होता है चांद को पकड़ लिया? एक सेकंड आपने बोला मैं पकड़ लिया बोला कि नहीं बोला? जिन्होंने सुना वो हाथ खड़ा करे। बोला कि नहीं बोला? चांद मुबारक का मतलब क्या बोला? चांद पकड़ लिया। अब मैं इनके पास भी नहीं आ रहा। सही पकड़े। अब देखिए सुरेंद्र राजपूत अपनी टाइम पे बैठे हो, मैं कह रहा हूँ पकड़ने का भाई, वही काम है मेरा, शब्दों को पकड़ना, मुझे भी तो बोलने दो, शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है भाई। देखिए शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है, मेरा कर्म पर तो बोलिए, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। मैंने कहा उस पे खड़े होना, चांद अब मेरे कब्जे में, पकड़ा बोल दिया। क्या यार नाटक है यार, कमाल है यार।